आ गए फिर आज लेके आपको कनाडा में। तो हाँ जी, ये है टिम हॉर्टन। अलॉय मैक, अलॉय मैक, मजा आ गया। तो हाँ जी, कितना सारे वेलकम बैक, आ गए जी एक और ब्लॉग लेके। तो जी, लास्ट ब्लॉग को आपने बड़ा प्यार दिया जी, मज़ा आ गया आपके कमेंट देख के। यार ऐसे ही कमेंट करते रहना। तो आज की वीडियो शुरू करने लगे हैं। आज लेके चलता हूँ आपको एक, आज का भी एक नया कॉन्सेप्ट है। हाँ, आज भी एक नए कॉन्सेप्ट पे लेके चलता हूँ। आपको ऐसा लगेगा कि आप थाईलैंड में नहीं, आप कनाडा में आ गए हैं। आज का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से है, आपको लगेगा सेम कनाडा वाली फील आएगी, और अगर ना आए फील तो कहना। तो पहले चलते हैं वहाँ पे, सीधा आपको वहीं से दिखाता हूँ और वीडियो की शुरुआत करते हैं सीधा वहीं से। तो चलते हैं फिर, चलो। आ गए फिर आज लेके आपको कनाडा में। तो हाँ जी, ये है टिम हॉर्टन। आ गई कनाडा वाली फील, मैंने कहा था ना लेके चलूँगा, आपको लगेगा सेम कनाडा में आ गए हैं। तो ये कनाडा वाली फील यहाँ बैंकॉक में भी ली जा सकती है। टिम हॉर्टन वन चिकन रैप और लाटे के साथ ऑर्डर दे दिए अपना। ऑर्डर आते ही फिर चलते, क्योंकि यहाँ पे आज सिटिंग एरिया इन्होंने बंद कर रखा है। मैं आपको दिखाता हूँ, तो इनका सिटिंग एरिया है यहाँ पे, सिटिंग एरिया इन्होंने बंद कर रखा है कोविड की वजह से। तो टेक अवे है, टेक अवे लेके चलते हैं। यहाँ पे टिम होटल की कोल्ड ब्रू भी है, आई थिंक, पता नहीं कनाडा में ही है कि नहीं, लेकिन यहाँ थाईलैंड में है। सारी चीज़ें अवेलेबल है। और सबसे बढ़िया चीज़ दिखाऊँ आपको, जो जिनको मीठा पसंद है, ये टिम होटल की टिम्बर्ट्स बहुत फेमस है यार, अपनी बड़ी फेवरेट है। मज़ा बड़ा आता है, बहुत टेस्टी होती है। यहाँ के ऐसी फील आ रही है कि सेम आप कनाडा में बैठे हुए हो। तो एक्चुअली क्या, अभी प्रमोशन चल रही थी तो अपन ने ये वाला सेट लिया। ये लाटे के साथ रैप है, चिकन रैप 185 का प्रमोशन में लिया है। बढ़िया आपका रिपोर्ट, रैप हो जाएगा साथ में, कॉफ़ी हो जाएगी, और क्या चाहिए। ये कोविड की वजह से खाली है, नहीं तो यहाँ पे बैठने की जगह ही नहीं मिलती, फुल रहता है ये। कोविड की वजह से खाली है ये। एक्चुअली क्या है, एमबीके, अगर आप आओगे एमबीके, एक्चुअली सबको पता होगा एमबीके के जस्ट आगे है, क्योंकि आपको मैं लोकेशन दे दूँगा इसकी, एमबीके से थोड़ा आगे ही है, रेड लाइट के ऊपर ही है ये। ये सामया करके मॉल है, उसके अंदर नीचे ग्राउंड फ्लोर पर खुला हुआ टिम हॉर्टन। इसमें कॉफ़ी आ गई, अभी रैप आ रहा है, रैप में थोड़ा टाइम लगेगा, तो कॉफ़ी ट्राई करते हैं इसमें। ये पैकिंग ही बड़ी ज़बरदस्त है, एक मैं इसको खोल लूँ पहले। कॉफी एक नंबर है भाई, मज़ा आ गया। थैंक यू। तो ये अपना चिकन रैप और कॉफ़ी दोनों आ गई है, अब चलते हैं। तो ये टिम हॉर्टन को देख के किस किस को कनाडा की याद आई कि नहीं आई, बिल्कुल है ना। टिम हॉर्टन बैंकॉक के अंदर, ये टिम हॉर्टन बैंकॉक के अंदर खुला हुआ है, सारा कुछ अवेलेबल है यार यहाँ पे, एक से एक चीज़ है। इसलिए मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में वीडियो में कि आज आपको लेके चलता हूँ और आपको कनाडा वाली फील ज़रूर आएगी। एक्चुअली ये मॉल के अंदर बना हुआ टिम होटल, तो गाड़ी नीचे पार्किंग पे खड़ी करनी पड़ती है, और पार्किंग का चक्कर आपको पता ही आ जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाती है पार्किंग करनी।
यार अब गाड़ी कहाँ खड़ी है, ये तो पार्किंग में गाड़ी ढूंढना बड़ा मुश्किल हो यार, पता ही नहीं लगता कहाँ खड़ी करी है। दिखी 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 पहली बात तो ये बता दूँ इसकी पैकिंग ही बड़ी ज़बरदस्त है यार, रैप देख के तो वैसे ही मज़ा आ रहा है कि हैम डली हुई है अंदर, लेकिन इसकी पैकिंग ही बड़ी ज़बरदस्त थी। खा के देखते हैं टेस्ट कैसा है। अल्टीमेट चिकन और अंदर में हैम है ना, जो क्रंची और सॉफ्ट, क्रंच और सॉफ्ट का जो मिक्सचर होता है ना वो आ रहा है, मजा आ गया। भाई गाड़ी लगा दी है मॉल में पार्किंग, और यहाँ से चलते हैं मार्केट में, आपको मार्केट दिखाता हूँ। समफेंग से कुछ सामान भी लेना है, आपको मार्केट भी दिखाता हूँ। ये अपने गुरुद्वारा आ गया, गुरुद्वारा से हम गेट बंद है, लेकिन बैक साइड वाला गेट खुला होता है, किसी ने दर्शन करने आया तो अभी बंद है, लेकिन आपको मार्केट लेके चलता हूँ, मार्केट दिखाता हूँ पहले। तो ये जो मार्केट है समथैंग, ये फॉरवर्ड एरिया से शुरू हो जाती है, यहाँ कपड़ों से लेके आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एक्चुअली ये मार्केट जो है, जो ओंग एंग कनाल है मार्केट, जो नई मार्केट खुली है वो यहीं पर खुली है, ये वराट के साथ में। और इस मार्केट को अगर सदर बाजार भी कह, सदर बाजार से भी कंपेयर कर लेंगे तो गलत नहीं होगा, ये यहाँ का सदर बाजार ही कह सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पे आपको होलसेल प्राइस पे मिल जाएंगी, कुछ भी लेना है सब मिलेगा, लेकिन सब होलसेल प्राइस पे मिल जाएगा। मास्क, बैग, एक्सेसरी, कपड़े, सारी चीज़ें होलसेल रेट पे मिलेंगी। ये है समफेंग मार्केट, ये बहुत बड़ी सोए है, मैं क्या सोए कह रहा हूँ, सॉरी, ये बहुत बड़ी सड़क है, पतली सी गली जा रही है, ये कम से कम दो रोड क्रॉस करके, दो रोड जितनी लंबी है। अभी कोविड के चलते हुए थोड़ी खाली है, नहीं तो यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती, इतना रश होता है यहाँ पे। एवरीथिंग 20 baht, 20 baht में सारा कुछ मिलता है, अलग अलग प्राइस है, लेकिन जैसे कम से कम 20 baht में मिल जाएंगे आपको काफ़ी सारी आइटमें। आज मौसम फिर भी ठीक है, नहीं तो गर्मी से बुरा हाल हो जाता है यहाँ पे। पहले रोड क्रॉस कर लें, जब से कोविड आया है साला मास्क कितना ट्रेंडिंग में हो गया, तो हर जगह मास्क ही देखने को मिलता है, और कोई आइटम देखने को ही नहीं मिलती। तो मास्क की इतनी सारी वैरायटियां और इतने सारे कलर हो गए हैं, ऐसे लगता है जैसे मास्क की मार्केट रह गई है, और कोई चीज़ मिल ही नहीं रही है मार्केट में, चारों तरफ मास्क ही दिखते हैं। जो बड़े बड़े बड़ी बड़ी जो दुकानें हैं उन पर सब पे थान मिलते हैं कपड़े के, ये धान की मार्केट है सबसे ज़्यादा बड़ी, ये धान की होलसेल मार्केट है। और यहाँ पे चेतक और प्रिया अभी भी चलते हैं, वैसा दिखाता हूँ आपको, ये देखो लोडिंग के लिए काम आते हैं यहाँ पे, ये लोडिंग के लिए काम आते हैं, वैसा बहुत ज़बरदस्त है, पता ही है कि स्कूटर बहुत ज़बरदस्त है, इस पर लोडिंग करना आसान रहता है, जितना मर्जी लोड डाल लो खींचे जाओ। तो जी अपना काम हो गया, अपना जो लेना था सामान मिल गया, ले लिया, तो यहाँ से निकलते हैं। एक्चुअली ये जो मार्केट है ना, ये थान मार्केट है, वैसे बेसिकली ना होलसेल में जितने भी कपड़े के फैब्रिक के थान है ना सारे मिलते हैं यहाँ पे, तो थान की मार्केट, और साथ में जितनी भी एक्सेसरीज है वो भी सारी यहाँ मिलती हैं, अवेलेबल है,
अब जैसे कई शॉप पे क्या है कि आपको सारी चीज़ें होलसेल में, तो उनके पास 20 बार से शुरू हो जाती हैं चीज़ें, 20 बार से लेके 100 बार तक या 200 बार तक सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, मतलब रेट आपको होलसेल का ही लगेगा। कहने का मतलब ये कि पूरे बैंकों में सबसे सस्ती मार्केट है ये, जो चीज़ आप ऑनलाइन ऑर्डर करोगे या कहीं से लोगे, आप डायरेक्ट यहाँ से लोगे तो आपको सस्ती पड़ेगी। और मोबाइल की एसेसरी या कैमरे की एसेसरी सारी अवेलेबल है यहाँ पे, सोर्सेस भी अवेलेबल है। लेकिन रश बहुत होता है यार इस मार्केट में, ना निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी आपको मेरे बैक साइड पे दिख रहा है कि इतना रश है, अभी मैं अपना फ्रंट कैमरा करके दिखाऊंगा ना, देखना कितना रश है। एक मिनट रुको मैं दिखाता हूँ। इतना रश है कि निकलना मुश्किल हो जाता है। अभी फिर भी कम है, लेकिन जब सारा खुला होता है फिर पैर रखने की जगह नहीं होती। तो अभी चलते चलते एक चीज़ दिख गई आपको, दिखाता हूँ, बहुत बढ़िया चीज़, गर्मी का सबसे बढ़िया जुगा, गन्ने का जूस। मशीन है गन्ने का जूस, गन्ने का जूस लेते हैं, थोड़ी गर्मी मिटाते हैं। पच्चीस बाट की है लेते हैं एक। हेलो भाई मां, हेलो भाई मां, हेलो भाई, हेलो आई मीन टेस्टी, बहुत मीठा है, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। 25 बाट में गन्ने का जूस। और जब आप इस मार्केट से बाहर निकलोगे तो सेम वही मार्केट आ जाएगी जो अभी नई वाली मार्केट खुली थी, ये कनाल के साथ वाली। लेकिन अभी देख लो कोविड के चक्कर में सब बंद है, तो सब कुछ बंद है। अभी थोड़े दिन पहले फुल खचाखच भरी हुई थी, अब देख लो जैसे ही यहाँ पे लॉकडाउन लग गया तो फिर से बंद हो गई सारी चीज़ें। कोई बात नहीं, फिर भी जल्दी खुल जाएंगी सारी चीज़ें, फिर से लगेगी सारी की सारी मार्केट, कोई बात नहीं। अभी रोड क्रॉस करते हैं, पहले इम्पोरियम के अंदर चलते हैं, गाड़ी वहाँ पार्किंग करी हुई है, फिर निकलते हैं आगे, पहले रोड क्रॉस कर लें। यहाँ ये बेनिफिट है अगर रोड के ऊपर आपने रोड क्रॉस करनी है तो, ये नहीं कि कोई रुकेगा नहीं, यहाँ रुक जाते हैं फटाफट, आपको रोड क्रॉस करने देंगे पहले। हर जगह अपना टेम्परेचर चेक कराओ और फिर जाओ अंदर। और ये इम्पोरियम है, इंडियन इम्पोरियम, पहले फुल था किसी टाइम पे, अब ये भी खाली हो गया। तो ये अपने स्टैंप लगवा लिया। एक्चुअली क्या है कि इस मॉल में अगर आपने गाड़ी पार्क करी है ना, वैसे तो 30 बाट घंटा है पार्किंग चार्ज, लेकिन अगर आपके आप किसी को जानते हो इस मॉल में, अगर या फूड या कुछ भी मतलब आपने इस मॉल में खाया है तो यहाँ पे स्टैंप लग जाती है, और अगर आपके पास वो स्टैंप लगवा ली तो 2 घंटे तक पार्किंग फ्री है। तो मैंने वो स्टैंप लगवानी थी, वो स्टैंप लग गई है। अब चलते हैं गाड़ी उठाते हैं और निकलते हैं यहाँ से।